हेलो गाइस, मैं हूं करण और ये है सचिन। तो गाइस यहां पर आज मैं आपको बैक हैंड स्विंग सिखा दूंगा। कसम से कहता हूं आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लो, मैं आपको बैक हैंड स्विंग सिखा दूंगा, सचिन के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो आई हैं और फेसबुक पर वीडियो बहुत ज़्यादा लोग भेजते हैं और व्हाट्सएप पर भी वीडियो भेजते हैं, कहते हैं करण भाई देखो इस प्रकार हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लो, जो लोग बैक हैंड स्विंग सीखना चाहते हो और जो लोग सीख चुके हो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, अपना भाई समझ के आप लोग वीडियो को देख लो, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और आज रैली में कसम से कहता हूँ आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, आप लोग सीख जाओगे, आपको एक भी डर नहीं लगेगा। यहाँ पर कैसे करना मैं आपको बताऊँगा और सचिन भी करके दिखाएगा, दोनों लोग हम लोग आज आपको सिखा देंगे बैक हैंड स्प्रिंग। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ आपको कर देना। चलो यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं बैक हैंड स्प्रिंग। तो गाइस यहां पर देख लो, जब भी आप लोग बैक हैंड स्विंग करना तो आपको बैक हैंड स्विंग की एक्सरसाइज करना है और आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना, जहां भी आप लोग प्रैक्टिस करें जैसे गिर जाएं आपको चोट ना लगे, क्योंकि जब आप लोग पहली बार सीखोगे तो गिरोगे। यहां पर देख लो बालू एरिया है, हम लोग यहीं पर आपको सिखाने वाले हैं। आपको करना क्या होगा, पहली एक्सरसाइज रहेगी आपको अपने हाथों को ऐसे करके घुमाना, घुमाइए जल्दी जल्दी ऐसे करके। हम लोग आपको बहुत कम एक्सरसाइज बताएंगे, आप लोग प्रत्येक एक्सरसाइज एक या दो मिनट कर लेना ऐसे करके देखो बस। और आपको गर्दन की करना है, गर्दन गर्दन करो ऐसे ऐसे। ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज आपको डी बनाना आना चाहिए, वो कि सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग डी नहीं बन पाते तो नहीं सीख पाओगे। मैं आप लोगों से कहूँगा आपको डी बनाना आना चाहिए, नहीं आता डी बनना फिर भी आप लोग सीख जाओगे। यहाँ पर देखो सचिन डी बनकर बताता है, खड़ा खड़ा कर लेता है। आप लोग खड़े खड़े नहीं बन पाते तो आप लोग लेट के बन जाना है, पेड़ की मदद से, दीवार की मदद से। यहाँ पर देखो सचिन खड़े खड़े डी बन रहा है, देखो कितनी अच्छी तरह से डी बन चुका है। तो आप लोग इस प्रकार डी बनाना आपको आना चाहिए, खड़े हो जाइए सचिन भाई। नहीं आता तो आप लोग लेट के बन जाना या दीवार या पेड़ की मदद से बन जाना। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है आपको आर्च की प्रैक्टिस करना, वो कि सबसे ज़रूरी होता है। लोग आर्च नहीं करते हैं और बैक हैंड स्विंग नहीं सीख पाते हैं। आर्च करके दिखाइए, आर्च ऐसे करना, देखो सीधे ये कमर को अपनी हाँ वो करना, करो ऐसे करके देखो, ये देखो ये जंप में आपकी कमर मुड़ना चाहिए। जब तक आपकी कमर नहीं मुड़ेगी तो आपको बैक हैंड स्विंग नहीं आएगी। ये देखो ये इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में आपको करना क्या होगा, आपको जैसे आपके पास कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका बड़ा भाई है जो आपको सपोर्ट कर सके, तो आप लोग सपोर्ट्स की मदद से सीखिए तो जल्द सीख जाओगे। आपके पास कोई नहीं है तो आप लोग अकेले सीखोगे, मैं आपको अकेले भी बता दूंगा। यहाँ पर जैसे सपोर्ट से आप लोग सीखना चाहते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो मैं सपोर्ट से बता रहा हूँ। तो आपको तीन एक्सरसाइज कर लेना, पहली एक्सरसाइज आपका वर्कआउट रहेगा, आपको एक्सरसाइज कर लेना। दूसरी एक्सरसाइज आपको डी बनाना चाहिए, तीसरी एक्सरसाइज आपको आर्च, ये हो गई। अब चौथी स्टेप में आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ आपको सेफ्टी के विशेष ध्यान देना। यहाँ पर देख लो हम लोगों ने सेफ्टी का भी ध्यान दे दिया है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, करना कैसे, खड़े हो ये सचिन भाई। यहाँ पर देखो पहला स्टेप क्या रहेगा आपको, ऐसे इधर से पहला स्टेप सीधे हाथ रखिए, सीधे देखो ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप ऐसे देखो, दूसरा स्टेप में ये हो गया। अब तीसरा स्टेप में आपको आर्च यूज़ करना, आर्च अभी करना मत, ठीक है आर्च देखो ये यही हम लोग बैक हैंड स्विंग करेंगे। फिर से करिए एक बार, पहला स्टेप देखो, पहला ये हो गया, दूसरा स्टेप में ये डाउन, तीसरे स्टेप में आर्च, ये देखो कितनी अच्छी तरह से इसकी आर्च हो रही है। यही होता है लोग ये नहीं करते हैं और नहीं सीख पाते हैं। और फिर मैं मिस्टेक भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैं सपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखो सचिन को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी नहीं कर पाता, मैं इसे सिखा रहा हूँ। और आप लोग भी सीखना चाहते तो इस प्रकार सीख सकते हो। आपके पास कोई नहीं है तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कैसे करना, अकेले आप लोग कैसे करोगे। देखो एक हाथ आपको यहाँ पर पकड़ना है, देखो इसके लोअर पे ऐसे, और दूसरे हाथ से ऐसे रखना और यहाँ से घुमाना। चलो करो, देखो ये वही करेगा तीनों स्टेप को ऐड करके। देखो ये देखो आपके सामने है, आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो सपोर्ट्स की मदद से। देखो यहाँ पर ऐसे करके देखो, ये देखो बैक हैंड स्विंग हो चुकी है, आप लोग देख लो अभी सीख रहा है सचिन भाई। तो गाइस यहाँ पर देख लो, जब सचिन के अंदर से थोड़ा डर खत्म हो जाए, आपके अंदर से थोड़ा डर खत्म हो जाए, तो आपको करना क्या होगा, एक हाथ लगाना, एक हाथ से सपोर्ट करना, एक हाथ से। देखो यहाँ पर मैं एक हाथ से सपोर्ट करता हूँ, करिए। यहाँ पर देखो मैं एक हाथ से सपोर्ट किया, देखो सचिन कर दिया बैक हैंड स्विंग, और एक बार करिए।
यहाँ पर बैक पर आपको लगाना है एक हाथ, और ये देखो कितनी अच्छी तरह से बैक हैंड स्विंग हो चुकी है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको सपोर्ट नहीं लगाना है। जब सचिन के अंदर से डर खत्म हो जाए और सचिन कहे मैं मार दूंगा, तब आपको हाथ नहीं लगाना, मगर आपको सेफ्टी के दौर पर यहाँ पर ऐसे हाथ लगा के रखना है ऐसे करके, क्योंकि मान लो अभी सचिन कर रहा है इसके अंदर अचानक डर आ जाए तो आप घुमा पाओ बॉडी इसके लगे ना। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे लगाऊंगा, अभी देखो टच नहीं करूंगा, देखो टच नहीं करता हूँ, ऐसे लगाऊंगा। जब जानूंगा सचिन गिरने वाला हो तो ऐसे करके घुमा दूंगा। अब जब जानूंगा सही तरह से सचिन कर लेगा तो हाथ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर देखो ऐसे करूंगा, देखो यहाँ पर देख लो गाइस, देखो इस बार सचिन ने अकेले मार दिया बैक हैंड स्विंग, अकेले देखो कितनी अच्छी तरह से हो चुकी है, अकेले मार दिया। और देखो इस प्रकार गिर भी गया, आप गिर भी जाओगे इससे खराब भी गिर जाओगे, मगर आपको हार नहीं मानना, प्रैक्टिस करते जाना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप लोग बैक हैंड स्विंग मारना आपको अपने हाथ को मुड़ने नहीं देना, ऐसे करके मुड़ने नहीं देना, बिल्कुल सीधे स्ट्रॉन्ग रखना है जितना पावर हो। जब आपके हैंड पीछे जाए तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, यहाँ पर देखो आपके सामने है, देख लो सचिन अकेले मार दिया, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार और यहाँ पर मार के दिखा देगा क्योंकि थक चुका है, फिर मैं आपको बताता हूँ आप लोग अकेले कैसे सीखोगे अकेले। आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देख लो सचिन ने बैक हैंड स्विंग करके दिखा दिया, देखो इस प्रकार हो रहा है क्योंकि पहली बार पे है, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार। तो आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो सपोर्ट्स की मदद से। तो गाइस यहाँ पर देख लो सचिन ने आपको बैक हैंड स्विंग मार के दिखा दिया है, पहली बार पे है, देखो इस प्रकार हो चुकी है, कितनी अच्छी तरह से हो चुकी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है आप लोग अकेले कैसे सीखोगे, आपको करना क्या होगा, आपको तीनों स्टेप की प्रैक्टिस करना है। पहला स्टेप हो गया आपको अपने हैंड की एक्सरसाइज करना, दूसरा स्टेप आपको डी बनना, तीसरा स्टेप आपको आर्च यूज करना, तीनों स्टेप आपको कर देना, चौथे स्टेप में आपको सेफ्टी का ध्यान देना, पांचवें स्टेप में आपको बैक हैंड स्विंग प्रैक्टिस करना। डर तो लगेगा मुझे पता है, मगर मैं डर आपको दूर करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक हमारे भाई हैं आरके स्टंटमैन, हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लो मेरा फोन अब सचिन लेके वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि जो साथ में मेरे साथ हैं वो लोग वीडियो अच्छी तरह से नहीं शूट कर पाते, यहाँ पर सचिन मेरा फ़ोन पकड़ के अब कर रहा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या करते हैं जो हमारे आरके स्टंटमैन जी हैं, उन्हें 2 साल हो चुका है अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो बैक हैंड स्विंग में। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं, मेरी वीडियो को देखते हैं फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं उनका आज डाउट क्लियर कर दूंगा जो लोग नहीं सीख पाते हैं और जो लोगों के हैंड मुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो गलती क्या करते हैं, मैं आपको उसी प्रकार मार के दिखाता हूँ, उसी प्रकार जैसे वो लोग करते हैं उसी प्रकार मार के दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख लो गलती क्या करते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा सर क्यों टच हो जाता है। देखो वो लोग अपने हाथों से बॉडी को पीछे को नहीं फिटकते हैं और डी भी नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को जितना हो सके आप लोग ये कमर जो आपकी इसे मोड़ते हुए आप लोग डी बनाते हुए अपनी बॉडी को ले जाइए, और हाथ में पावर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे आपकी बॉडी पीछे जाए आपके हैंड मुड़े ना। तो आप लोग समझ सकते हो स्टार्टिंग में आप लोग इस प्रकार गिरोगे, मैंने आपको हर वो स्टेप बता दिया जो लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सही तरह से करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर देख लो मैंने आपको बैक हैंड स्विंग मार के दिखा दिया, आप देखो क्यों सही हो रही, मैं अपने हैंड पूरे सीधे ले जाता हूँ पावर लगा के और कमर को तोड़ते हुए अपनी बॉडी को मोड़ देता हूँ और डी बनाते हुए उठ जाता हूँ। तो आप लोग देख लो कितनी अच्छी तरह से होती है। तो आप लोग इस प्रकार प्रैक्टिस करो, बहुत जल्द आप लोग सीख जाओगे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और यहाँ पर बालू है इसलिए थोड़ा कम अच्छी हो रही बैक हैंड स्विंग, आप लोग गलत मत समझना भाई, नहीं कर पाते हैं, हम लोग सब कर लेते हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर डांस स्टेंट सीखने को मिलता रहता है। बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखने, बाय करिए सचिन उधर, बाय बोलो, बाय।